बागेश्वर में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान 172 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मिनी ट्रक से बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं कोतवाली बागेश्वर के कोतवाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समय समय पर अनिश्चित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गोमती पुल के पास चेकिंग चल रही थी, उसी वक्त ये शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब 8 लाख बताई जा रही है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसकी गतिविधियों को देखते हुए हम लोग सक्रिय हैं, तो समय बदल बदल के हम लोग चेकिंग करते हैं। हम लोग गोमती पुल पर चेकिंग कर रहे थे पूरी टीम के साथ में, तो अचानक से एक गाड़ी तहसील रोड से और ये बागेश्वर की तरफ आ रही थी, तो उसको हमने जैसे ही चेक किया और ड्राइवर से पूछताछ की तो वो शक पकाने लगा। ये टोटल 2064 बोतल हैं, 172 पेटियाँ हैं, तो इस संबंध में हम एक मोटा आइडिया लगा रहे हैं, 7-8 लाख का माल तो समझते होगा। हम इस पूरे माल को, जितना माल है, पूरा सील करके ये कोर्ट मान्य न्यायालय में पेश कर रहे हैं, अभियुक्त को भी और माल को भी। उसके बाद में न्यायालय के आदेशानुसार ही जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़े की रिपोर्ट।